हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नगरी चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपसे बात करेंगे MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत जो एग्ज़ाम हुआ था आपका इंटेलिजेंस सिक्योरिटी असिस्टेंट का, उसके रिजल्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों के जो कमेंट्स आ रहे थे कि सर, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो खुफिया विभाग का जो हमने एग्ज़ाम दिया था उसका कब तक इसका रिजल्ट आ सकता है टायर टू का, तो उसके रिगार्डिंग हमने इस वीडियो को बनाया है ताकि आपको एक एक्सपेक्टेड डेट बता सके। तो आइए स्टार्ट करते इस वीडियो को, देर ना करते। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट न्यूज चैनल पर लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे दी जाती है दोस्तों। और साथ ही दोस्तों, जब भी कोई नया सरकारी फॉर्म आता है या नया नोटिफिकेशन आता है या कोई नया रिजल्ट अनाउंस होता है या किसी का एडमिट कार्ड जारी होता है, यानी कि पूरा का पूरा प्रोसेस दोस्तों जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड है, हम उसके नोटिफिकेशन के जो वीडियोस हैं वो आपको स्मार्ट न्यूज चैनल पे प्रोवाइड करते हैं। साथ ही दोस्तों, हम यहां पे आपको हेल्प करते हैं स्टडी मटेरियल में, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको करना होगा स्मार्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और उसके बाद आप हमसे आसानी से जो है इसका स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने जो मैंने ओपन कर रखा है ये आर्टिकल है दोस्तों। तो इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आज देखिए क्या क्या दिया है। पहले तो वो चीज़ देख लेते हैं कि आपका 28 अगस्त को जो है टायर वन का रिजल्ट आया था। जी हाँ दोस्तों, और हम अब बात करें टायर टू का, जो एग्ज़ाम हेल्ड हुआ था, देख लीजिए यहाँ पे कंडक्टेड जो टू एग्ज़ाम इज 29 सितंबर 2019। तो दोस्तों, इसके रिजल्ट को लेकर काफ़ी लोगों ने जो है क्वेश्चंस किया था कि सर, इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ देखिए, रिक्रूटमेंट जो था वो IB सिक्योरिटी असिस्टेंट का है। कैटेगरी रिजल्ट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत इसे कंडक्ट किया गया। रिक्रूटमेंट का जो लेवल है वो नेशनल लेवल है। पोस्ट की बात करें तो सिक्योरिटी असिस्टेंट का ये पोस्ट था आपका एग्जीक्यूटिव का। वैकेंसी की बात करें तो 1054 पोस्ट है। टायर वन, टायर टू, टायर थ्री, ये तीन स्टेज में आपका एग्ज़ाम हो रहा है। 17 फरवरी को पहला हुआ था और 29 सितंबर को सेकेंड हुआ था। और जो पहला टायर का एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आया था 28 अगस्त को आया था। और देख लीजिए यहाँ पे MHA IB सिक्योरिटी असिस्टेंट टायर टू का रिजल्ट जो देखिए यहाँ पे अवेलेबल सून दिखा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जो है इसका रिजल्ट को लेके कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं आई है, बट जो एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही है काफ़ी आर्टिकल्स पढ़ने के बाद और हमने जो एनालिसिस किया कि इसका एक्सपेक्टेड डेट कब तक इसको जारी कर दिया जा सकता है, तो दोस्तों वही आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो दोस्तों कि आपका जो है इसका टायर टू का जो रिजल्ट आने वाला है वो इस मंथ नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, नवंबर मंथ में आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो काफ़ी लोगों का ये अनुमान था कि इस मंथ के एंड तक आपको जो है इसका रिजल्ट मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको इस मंथ के एंड तक नहीं मिलेगा। जबकि इसका रिजल्ट जारी होने का जो संभावना और एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही है वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर मंथ के फर्स्ट वीक में आपको जो है इसका ऑफिशियल रिजल्ट मिल जाएगा इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे, ये इसके एक्सपेक्टेड डेट है दोस्तों। तो ये आप जो नवंबर के काफ़ी लोग जो अनुमान लगा रहे हैं कि सर नवंबर तक आ जाएगा, लेकिन नहीं दोस्तों, जहाँ तक हमने एक्सपेक्टेड बात की है और काफ़ी लोगों से बातें करने के बाद जो हमें जो एक एक्सपेक्टेड डेट मिला, सबका ये कहना है कि नवंबर तक नहीं आएगा। आएगा रिजल्ट आपका फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के फर्स्ट वीक में, किसी भी तारीख को 1 से लेकर 7 तारीख के बीच में इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर इसे जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों इस वैकेंसी को लगभग 1 साल का समय होते जा रहा है धीरे धीरे, और ये काफी लंबी वैकेंसी है। 2018 का जो है इसका नोटिफिकेशन आया था, तो दोस्तों फरवरी में इसका एग्जाम हुआ था, तो अब जो है फरवरी तक से पहले तक जो है ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना चाहते हैं। अगर दिसंबर में आपका फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आता है तब जाके आपका टायर थ्री जो आपका होने वाला है वो हो जाएगा कंडक्ट उसकी एंड तक, और उसके बाद जो है आपको जैन या फैब से एटलीस्ट फरवरी तक आपको जो है इसकी ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगेगी। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर स्मार्ट न्यूज चैनल पर आप पहली बार विजिट करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ।